फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ उर्दू का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2022 के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चंस और आंसर। यहां सबसे पहला है, गज़ल अरबी कसीदे के किस हिस्सा से माखूद है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमहीद से। अगला है, दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तसव्वुफ़ का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, अहमद फिराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रुमानी। अगला है, हसन नसीम का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना से। अगला है, परवीन शाकिर के इसलाफ़ के आबाई वतन कहाँ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। अगला है, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, दुख लेकिन इस बात का डैश हुई किताब, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेवा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है, दोहा किस जुबान से उर्दू शायरी में आई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायर थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गीत। अगला हम लोग देखेंगे, सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रज्जाक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, दर्सी किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, अगला सवाल है हम लोग का, केरला में कौन सी जुबान बोली जाती है? तो केरला में आपको देखिएगा तो, केरला में मलयालम बोली जाती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, वात्रिक के किनारे किस जुबान की कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। अगला है, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका कन्नड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो, केतु की बीवी का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, अगला सवाल है, तीरादोई किस अफसाने का किरदार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खाली संदूक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कॉलेज के हॉस्टल सुप्रिंटेंडेंट का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिच लाल दास। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, वारिस शाह से किस तरह के नज़्म है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाबंद। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, नज़्म दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सादिक ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, यहाँ पे है कि सचिदानंद के कौन से नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह मुलाकात। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, ज़माने कितने होते हैं? तो ज़माना अगर बात किया जाए, टेंस होता है 3, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगला हम लोग देखेंगे तो, माना के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? तो ये होते हैं 2 तरह के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, इस्म फ़ाइल कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देखने वाला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, अगला सवाल है हम लोग का, जमान व मकान का नाम किसमें होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें जामिद में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मैं पटना जाऊंगा यह कौन सा ज़माना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेल मुस्तकबिल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, सख्ता का मतलब है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुख्तसर, ठहराव। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कान भरना का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, चुगली करना इसका हो जाएगा। अगला है, सालेह के जमा क्या हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सालेहीन। अगला है, जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तबीयत। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, जेल में इसमें सूत कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काऊ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिनफ का आगाज़ किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नावल का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो, नावल तौबतन नसू में मरकज़ी किरदार कौन है? तो ये हो जाएगा, मरकज़ी किरदार जो है तौबतन नसू में मरकज़ी किरदार है आपका ऑप्शन नंबर बी,
नसुह। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, गालिब के वालिद का क्या नाम था, तो हो जाएगा आपका वालदा का क्या नाम था, तो इज्जतुल निसा बेगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फारसी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाढ़ के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस जुबान में महारत रखते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फारसी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है, तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी महारानी का तोहफा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास के गुफ्तगु या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरव्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे, तो चेकबस्त की पैदाइश कब हुई थी, तो 1882 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने किया था, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज़ों ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो पाँव फैलाना का मानी क्या होता है, ये होता है आपका हद से बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो जेल में इस्म नकरा कौन सा है, तो इस्म नकरा का इसमें बात किया जा रहा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लड़का। अगला है इधर आओ कौन सा जुमला है, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमरिया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है मेरा भाई बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिनफ सॉरी सिफत, यानी कि विशेषण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो हाल की जमा क्या होगी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अहवाल। अगला सवाल हमारा है जेल में इसमें आला कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दस्ताना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल है यहाँ पे हामिद हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फायल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल है यहाँ पे दर्जा जेल में साबका तलाश करे, तो इसका हो जाएगा ला हासिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है हम लोग का अर्ज का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा, तो अर्ज का हो जाएगा आयन रे जय। अगला है मुट्ठी गर्म करने का मतलब है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिश्वत लेना। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भांजा। इस तरह से हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये सभी क्वेश्चंस पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।